नमस्कार। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन ये कड़वा सच मुझे बहुत मीठा लगता है। अब आप देखिए ना कि एक जमाना था, हम सब लोग रेडियो से चिपके रहते थे और हमारा फेवरेट प्रोग्राम होता था विविध भारती, जिसमें पुराने नए तरह तरह के गाने आते थे, बीच में एड्स भी आती थी। और हम सब लोग, चाहे घर में अपने बेडरूम में हो, ड्राइंग रूम में हो, या फिर सड़क पर किसी पान की दुकान पर खड़े हों, बड़े ध्यान से विविध भारती के गाने सुनते थे। धीरे धीरे उसकी जगह टेलीविजन ने ले ली और अब जमाना आ गया संगीत को एंजॉय करने के लिए यूट्यूब का। जी हाँ, आप सब मैं यूट्यूब में घुसे हुए हैं, पीछे से भी और सामने से भी। अब सबसे बड़ी जो मुझे अजीब बात लगती है कि यूट्यूब की संरचना जिन लोगों ने की थी, उन्होंने एक बहुत बड़े कैनवस बनाया था कि इसमें बहुत क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तरह तरह की चीज़ें बताएंगे, तरह तरह के आप अपनी चीज़ें बताएंगे, लेकिन हुआ इसके कुछ विपरीत। अब हमारे जितने भी भारतीय प्रायद्वीप से, जिसमें भारत, पाकिस्तान या दूसरे कंट्री आते हैं, उन्होंने समझा ये यूट्यूब नहीं है, ये एक नया विविध भारती है। और उन्होंने जिसको भी थोड़ा बहुत गुनगुनाना आता है या गुनगुनाना चाहते थे या बेडरूम के अंदर गाया करते थे या बाथरूम के सिंगर थे, वो सब के सब देखते देखते यूट्यूब पे छा गए हैं। जिसको देखो वही गीत गा रहा है, संगीत गा रहा है और बड़ा मजा भी आ रहा है, आएगा क्यों नहीं। अब कला किसी के बाप की बबूती तो है नहीं, उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हमने इस YouTube को शुद्ध रूप से करैके सेंटर बना दिया। यानी आपने CD ले आए, लगाई और उसके साथ अपना मैच करके अपने जो भी आपको गाना बजाना आता है गा दिया, बड़ी अच्छी कलेक्शन होगी। लेकिन हम ये भूल गए कि असल असल होता है और नकल नकल होती है। और हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम लीजेंड्स जो हमारे देश के हैं, जिनके गीत हम कॉपी करते हैं या गाते हैं, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। फिर भी हम प्रयास जारी रखते हैं, ईमानदारी से गाते रहते हैं। कुछ लोग बहुत सुंदर गाते हैं, वाह वाह करने का मन करता है, लेकिन कुछ लोगों ने शुद्ध रूप से इस YouTube को एक कैराके सेंटर बना दिया। और बड़ी हैरत होती है कभी कभी जब वो अपना गीत सुनाते हैं तो उसके नीचे कैप्शन में लिखते हैं कि ये गीत फला फला सिंगर ने गाया था, इसका म्यूजिक फला फला संगीतकार ने दिया था, इसके गीतकार वो थे। यहाँ तक तो उचित है, किससे हमारी जानकारी बढ़ती है, कई बार हमें भी भूल जाता है कि भाई ये गीत किसने गाया था। लेकिन उसके आगे चार कदम आगे बढ़ जाते हैं कि इस गीत में एक्टर कौन कौन से थे। अब आप संगीत सुना रहे हैं, ये किस पे फिल्माया गया, ये किसने गाया, इससे ज़्यादा रुचि आदमी में नहीं होती। उसकी रुचि होती है कि जो संगीत आप सुना रहे हैं वो कितना ठीक है या नहीं है। हाँ, अगर आप ये जानकारी देने की कोशिश करते कि इसके फिल्माने के इतिहास क्या था, ये गीत क्यों फिल्माया गया था, किन अर्थों में समझाया गया था, वो कोई नहीं बताता। बस गाते चले जा रहे हैं और YouTube के अंदर एक संगीत की तादाद बढ़ाते चले जा रहे हैं। मेरी ऐसे लोगों से प्रार्थना है, गाइए, जरूर गाइए, अच्छा गाइए,
लेकिन कृपया YouTube को विविध भारती ने बनाइए। विविध भारती का अपना मजा था और YouTube की अपनी एक अजीब अदायगी है। YouTube में सिर्फ गाने नहीं चाहिए हमें, YouTube में आप बातचीत भी कर सकते हैं, YouTube में आप नाटक भी कर सकते हैं, YouTube के अंदर आप मेमिक्री शोज कर सकते हैं, YouTube में साइंस के बारे में बता सकते हैं, धर्म के बारे में बता सकते हैं और हजारों चीजें हैं, इतना बड़ा कैनवस है, कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन हम भारतीय लोग सिर्फ गाने में क्यों घुसे हुए हैं, और वो भी वो गाने जो किसी भी हालत में आप उतना अच्छा कभी नहीं गा सकते जितना शुद्ध रूप से मौलिक लीजेंड ने गाया था। वो अमर गीत गा गए हैं, वो हमारी धरोहर है हमारे देश की, वो एक संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं, संगीत में ही करना चाहते हैं, कीजिए, नए नए प्रयोग कीजिए। आजकल जमाना इम्प्रोवाइजेशन का आ चुका है, उसमें कुछ इनोवेट कीजिए, कुछ नयापन लाइए। अब कभी कभी ऐसी हरकत मैं कभी कभी कर जाता हूँ कि भाई मैं तो अपने इम्प्रोवाइज करूँगा, अपने तरीके से उसी गाने गाने की कोशिश करूँगा, तो लोगों को नागावार गुजरता है, ना पसंद आता है। भाई उनकी मर्जी है, उनको नहीं पसंद आता तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो संगीत में नए प्रयोग करने में लगा हुआ हूँ। और फिलहाल क्योंकि मैं अपने देश से बहुत दूर एक दूसरे मुल्क में रहता हूँ, उनके जो सिस्टम है संस्कारों के साथ भी मुझे न्याय करना होता है, ऐसा कुछ गाना पड़ता है जिसमें वो लोग भी इंजॉय करें, हमारे शुद्ध रूप से जो हमारा मौलिक संगीत है वो भी बना रहे, तो उसमें कुछ नए नए आपको प्रयोग करने पड़ते हैं, कई चीज़ें इम्प्रोवाइज करनी पड़ती हैं। और जब इम्प्रोवाइज का मैं रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग बेहद पसंद करते हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप YouTube पे गाइए, खूब गाइए, मन लगा के गाइए, लेकिन उसमें कुछ कुछ अपने मौलिक प्रयोग भी कीजिए, उसमें आनंद बहुत ज्यादा आएगा। इतना आनंद आएगा कि आप कहेंगे क्या ये गीत मैंने गाया है। मैं शायद आपको बुरा लगे लेकिन प्लीज कॉपी कैट मत बनिए। नकल नकल होती है और असल असल होती है। असल अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो नकल में भी कुछ ऐसी मिलावट कीजिए कि उसमें कुछ नयापन लगे, बासीपन नहीं झलके। ओल्ड इज गोल्ड ये सब ने कहा है, लेकिन ओल्ड भी तब बासी हो जाता है जब उसे आप ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। उसमें नयापन लाने के लिए नए क्लेवर इस्तेमाल कीजिए, कुछ नया गाइए, तो देखिए कितना मजा आता है। YouTube को एक प्रयोगशाला बनाइए जहां आपको ढेरों प्रयोग करने हैं, आपको वहां को रोकता नहीं। देखिए कितनी ईमानदारी उनकी, आप कुछ भी कीजिए सब कुछ YouTube पे आ जाता है, उसमें वो सेंसर नहीं करते, कुछ हटाते नहीं, कुछ घटाते नहीं, कुछ बढ़ाते नहीं। आपने जैसे प्रस्तुत किया वो उसे उसी तरह से आप लोगों के सामने रख देते हैं, तो फिर आपको डर किस बात का। आइए सोचिए, कुछ नया कीजिए, हमें भी लगे कि भारत के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, हर इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता, कुछ कीजिए ना ऐसा, तब मजा आएगा यूट्यूब का। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया यूट्यूब को विविध भारती मत बनाइए, कुछ नया कीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। धन्यवाद।